आईपीएल में सोमवार को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में मेजबान राजस्थान रॉयल्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच भिड़ंत होगी। इन दोनों टीमों के लिए ये 12वें सीजन का पहला मैच होगा। इसके अलावा बाकी की 6 टीमें अपना पहला मैच खेल चुकी हैं। ऐसे में दोनों ही टीमें नए सीजन की शुरुआत जीत के साथ करना चाहेंगी। राजस्थान की टीम पिछले सीजन में प्लेऑफ में पहुंची थी, तो वहीं पंजाब की टीम अच्छी शुरुआत के बावजूद प्लेऑफ में जगह बनाने से चूक गई थी। ऐसे में दोनों ही टीमें जीत हासिल कर शुरुआती बढ़त हासिल करना चाहेंगी। दोनों टीमों के बीच आईपीएल में अब तक कुल 17 बार मुकाबले हुए हैं, जिसमें से 10 बार बाजी राजस्थान रॉयल्स के हाथ लगी है, जबकि 7 बार पंजाब की टीम विजयी हुई है। ऐसे में हार और जीत का अंतर बिल्कुल करीबी है और एक बार फिर दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। पिछले सीजन में दोनों टीमें अपने अपने घर में हुए मुकाबले में जीत हासिल करने में सफल हुई थी। दोनों मैचों में पंजाब के लिए केएल राहुल चमके थे। इंदौर में खेले गए मुकाबले में केएल राहुल ने 54 गेंद में 84 रन बनाए थे, वहीं पंजाब 6 विकेट से जीता था। तो वहीं जयपुर में उन्होंने 95 रन की पारी खेली थी, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए थे। वहीं राजस्थान के लिए दोनों ही टीमों में जॉस बटलर ने धमाका किया था। उन्होंने इंदौर में 51 और जयपुर में 82 रन की पारी खेली थी। उनकी अर्धशतकीय पारी की बदौलत जयपुर में रॉयल्स को 15 रन के अंतर से जीत हासिल हुई थी। राजस्थान रॉयल्स को उसके घर पर मात देना मेहमान टीम के लिए अब तक मुश्किल रहा है। यहां खेले गए 40 मैचों में से उसे 29 में जीत मिली है और 11 में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं पंजाब की टीम पिछले 5 बार से रॉयल्स को जयपुर में मात देने में असफल रही है। दोस्तों, आप लोग भी दोनों टीमों के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आगे ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रिक आकाश को और साथ में नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।